मेरा नाइट का रूटीन आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं, ये है जेल क्लींजर। इसको ये 2-in-1 है और इसकी टिप जो है, इस टिप से इसको उठाना है और इसको 5 पार्ट में डिवाइड करके लगाना है। इसके अंदर, क्लींजर के अंदर ही टोनर है और हल्के हाथों से हमें मसाज करनी है। करीबन 1 मिनट तक हमें इसको मसाज करना है और मॉर्निंग में भी हमें जेल क्लींजर से ही अपना फेस को वॉश करना है और नाइट में जब भी हम सोएं उसके आधे घंटे पहले, हम जब कंफर्टेबल हैं तब हम क्लींजर को यूज कर लें। क्लींजर प्लस टोनर है इसके अंदर। क्लींजर खीरे का बना हुआ है और अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। जेल क्लींजर करने के बाद हमने हमारा फेस वॉश किया, क्लींजर विथ टोनर हमारा हो चुका है। इसके बाद हम यूज कर रहे हैं विटामिन सी HA+। इसको कैसे यूज करना है, ये हमें जो हमारे यहाँ पर लाइंस होती हैं यहाँ पे लगाना है। एज के साथ साथ ये लाइन हमारी डीप में जाने लग जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे क्रो लाइंस आने लग जाती है, यहाँ पर हमारे फाइन लाइंस आने लग जाती है, इस जगह पर हमारे लाइनिंग्स आने लग जाती है। तो विटामिन सी HA+ क्या करता है, हमारी स्किन को पफीनेस देता है, पफी बनाता है और हमारी जो फाइन लाइंस है और इस पर भी काम करता है। हमारी जो ये पीछे आंखों के यहाँ पर 3 लाइंस आने लग जाती है, इस पर भी वर्क करता है और हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अंदर 98% विटामिन सी है जो कि एक हमें एजिंग को बढ़ने से भी रोकता है और हमारी स्किन को बहुत स्मूथ और फ्लॉलेस बनाता है विटामिन सी HA+। इसके बाद हमें यूज़ करना है हमारी आई क्रीम। आई क्रीम क्या करती है, आई क्रीम को हम कैसे यूज़ करेंगे, हम रिंग फिंगर में लेंगे और इसको यहाँ पर डिप करके लगाएंगे और आँखों के आसपास इसको हम रोटेट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो आँखों के आसपास की जो लेयर है वो बहुत पतली होती है और सबसे पहले एजिंग यहीं पर दिखाई देने लगती है। यहाँ पर हमारी फाइन लाइंस दिखने लगती है, यहाँ पर हमारी लाइंस दिखने लगती हैं, आंखें मोटी सी हो जाती है, पफीनेस सी आ जाती है आंखों के आसपास, क्योंकि हमारी आंखें दिन भर देखती है, हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और हम प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाते और हमारी आँखों के आसपास की जो लेयर होती है यहाँ पर पोर्स भी नहीं होते, तो इसकी केयर की ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है। तो हमें आँखों के आसपास मॉर्निंग इवनिंग, मतलब कि मॉर्निंग में और नाइट में दोनों टाइम हमें यह आई क्रीम यूज़ करनी है। ये एरिया ऐसा होता है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ठीक है अभी तो ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमें आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है सीरम, ये पर्सनलाइज सीरम है, ये इसका नाम है पर्सनलाइज सीरम। ये सीरम, इसके अंदर मैंने 3 चीज़ मिलाई हुई है, W रिंग एंटी रिंकल स्पॉट और ब्राइटनिंग, और 2 और हमारे एम्पलीफायर आते हैं। एक आता है हाइड्रेशन वाला जो कि ड्राई स्किन के लिए होता है और एक है फर्मिंग के लिए F वाला, वो मैंने नहीं मिलाया है क्योंकि उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। तो मैंने 3 सीरम के अंदर 3 एम्पलीफायर मिलाए हैं और मात्र 1 ड्रॉप आपके सामने मैंने यहाँ पर ली है और उसको स्प्रेड कर लिया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नाइट की, तो नाइट में हमें नाइट लोशन या नाइट क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि हम, क्योंकि रात को सोते हैं तो हमारी सेल्स उस टाइम पर रीजनरेट होती रहती है। और यह है नाइट लोशन, इसको भी हमें सिंगल ड्रॉप लेना है, इतना सा सफिशेंट है और इसको भी हमें 5 पार्ट में डिवाइड करके इसको स्प्रेड कर लेना है। और इसके बाद हमें मॉर्निंग की हम बात करें, ये हमारा नाइट का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें आराम से गहरी नींद लेनी है और जब हम सुबह देखेंगे हमारी स्किन को तो हम बहुत चेंजेस फील करेंगे। इसके अलावा ये है प्रोटेक्टिंग लोशन जो विद SPF है। नाइट में हमें ये वाला लोशन लगाना है, नाइट वाला, और डे में हमें ये लोशन लगाना है। इसके अलावा जो मॉर्निंग के जो रिजिम है उसमें क्लींजर, विटामिन सी, आई क्रीम और सीरम, ये सब सेम है, बस
डिफरेंस है तो हमारा लास्ट जो पार्ट है उसका डिफरेंस है और किसी का डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों, यदि हम चाहते हैं कि हमारी स्किन फ्लॉलेस रहे, ग्लोइंग रहे, एजिंग ना दिखे, और हमारी स्किन को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिस तरह से हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उसी तरह से हमारे स्किन को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो आज मैंने आपसे अपना नाइट का रिजिम शेयर किया और डे का भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस है तो लोशन का। जिनकी स्किन ऑयली होती है वो लोशन यूज़ करते हैं, जिनकी स्किन ड्राई होती है वो क्रीम यूज़ करते हैं। और नाइट का रिजिम हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ज़रूर हमें इसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि रात को हम बहुत रिलैक्स होकर सोते हैं तो हमारी सेल्स वापस से बनती है और हमारी डेड स्किन जो निकल चुकी है उसके ऊपर हमारी नई स्किन आने लगती है और वो काम फास्ट हो जाता है यदि हम कोई प्रोडक्ट या अप्लाई करके सोते हैं तो। क्योंकि हमारी स्किन में जब रात भर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। थैंक यू।